हेलो गाइस आज हम बेबी से कॉम्पैक्टा क्लास नाइन्थ का एक अनसीन पैसेज पढ़ने वाले हैं क्लासरूम असाइनमेंट फोर ये होगा डी फॉर डिसिप्लिन नाम है इसका अब हम पढ़ना शुरू करेंगे अ फ्रेंड हु वेंट टू ट्रिप ऑन अ फ्रेंड हु वेंट ऑन ए ट्रिप टू कनाडा कम बैक वेरी इम्प्रेस्ड विद द कर्टसी शोन बाय द ड्राइवर्स ऑन द रोड देयर लाइक ऑल ऑफ अस ही वॉज यूज टू चौस ऑन द स्ट्रीट्स एंड दिल ऑबसेल्यूट रिगार्ड फॉर एनी वन एल्स वॉकिंग और ड्राइविंग ऑन द सेम रूट अब यहाँ पे क्या है एक एक फ्रेंड होता है किसी बंदे का वो बता रहा है कि जब उसका फ्रेंड कैनेडा की ट्रिप से वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा उन उनके ड्राइवर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या बताता है अब हमें इसको पैराग्राफ को पढ़ने से पता चलेगा कि वो बंदा हमें क्या बताता है आके की जिस वजह से वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था मतलब इम्प्रेस होने का कारण क्या था तो अब अब आगे पढ़ेंगे हम सो ही वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी द टू सी दैट द मिनट ही पुट ऑन फुट ऑफ द पेमेंट कार्स ऑन बोथ ऑफ द साइड बोथ ऑफ द रोड स्टॉप डेट वंस वेटेड फॉर हिम टू क्रॉस द रोड इवन इफ ही हैड नॉट वॉकड अब द जेबरा क्रॉसिंग द फर्स्ट कपल ऑफ टाइम्स दिस थिंग ही फ्रोज वॉन्डरिंग वट ही हैड दन टू स्टॉप द ट्रैफिक अब यहाँ पे क्या उसके साथ गजब होता है ना वो जब जाता है तो जैसे ही अंदर घुस उसने जैसे रो, रोड क्रॉस करने के लिए उसने पैर रखा ना उसी टाइम दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरा रुक गया वो मतलब अचंभित था रह जाता है एकदम से फिर क्या होता है ना वो क्या करता है अब एक दो बार जब उसने पहली बार तो ऐसा किया है ना तो वो जाने की बजाय वो तो देखता ही रह जाता था, था कि मैंने क्या कर दिया इतने बड़े ट्रैफिक को रोकने के लिए अब आगे पढ़ते हैं अब हाँ मैंने पढ़िया बट द कार जस्ट वेटेड पेशेंटली टिल ही क्रॉस्ड द रोड विद नो एंग्री हॉन्ग और एनिमन पुटिंग इज़ हेड आउट ऑफ द कार विंडो टू स्क्रीम ओ हीरो चलना तेरे बाप का सड़क है क्या डूट मूव द रोड बिलोंग टू योर डैड अब यहाँ पे क्या है जैसे वो थोड़ी देर रुक जाता रहा था, था ना मगर फिर भी किसी भी कैनेडा के ड्राइवर ने ना उसको मतलब कुछ भी बोला नहीं वो जैसे बढ़ता गया अगर आगे अगर आगे बढ़ा जब तक नहीं बढ़ाना तब तक उन्हें आराम से रुक के उसका वेट किया ना कि किसी इंडियन इन, इंडियन ही रुकने लग जाए तो तो लोग लो जैसे इसमें बताया गया ओ हीरो चलना तेरे बाप का सड़क है क्या ऐसे मतलब बोलने लग जाएंगे तो अब क्या होता है अनफॉर्चुनेटली डिसिप्लिन इज़ ए ट्रेट लैक्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अब यहाँ बताया गया कि डिसिप्लिन जो एक बहुत एक स्पेशलिटी है जो इंडियंस के अंदर है ही नहीं All of us must have been guilty at some time or the other of dashing across the street, making the nearest driver slam his brakes in panic. अब क्या बताया गया हम हम सब में से किसने ऐसा किया ही होगा कि अपना कभी ना कभी हमने इसको पछतावा हुआ होगा कि अपना यूं ही घूमते रहना और जैसे ही मतलब किसी के गाड़ी के सामने आ जाना कि उस बंदे को एकदम से जल्दबाजी में ब्रेक लगाने पड़ जाए एकदम से मतलब बहुत जल्दी से ही हिट करना पड़ जाए तो अब क्या है फिर ड्राइवर्स आर इवन लेस डिसिप्लिन दैन पेडेस्ट्रियंस अब पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं जो साइड पासर पासरबाइज होते हैं जो फुटपाथ पे चलते हैं उनको कहते हैं पेडेस्ट्रियंस अब क्या है हाउ many ऑफ देम स्लोड डाउन एट zebra क्रॉसिंग एंड intersections हाउ many स्टॉप एट ए रेड लाइट इफ़ देर वॉज नो cops around यहाँ पे क्या बताया कि ड्राइवर driver, ड्राइवर्स की तो हालत पेडस्ट्रियन जो उधर साइड में पैदल पैदल यात्री हो तो उनसे ही बदतर है अब क्या होता है अगर मतलब क्या है वहाँ पे इंटरशक्शन और जेवरा क्रॉसिंग पर कितने लोग रुक जाते हैं यहाँ पे पूछा गया है और कौन कौन रेड लाइट पे रुकते हैं जब तक वहाँ पे कोई भी वो पुलिस नहीं होती है आई हैव सीन ए दिल्ली ड्राइवर आर्ग्यूइंग व्हेन ही वाज स्टॉप्ड फॉर ट्राइंग टू जिप बाय बाय एट ए रेड लाइट अब यहाँ पे ज़िप का मतलब वो वाली ज़िप तो है मगर यहाँ पे जो जिप यूज़ किया गया है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है ज़िप का मतलब एकदम से जल्दी से उसको तोड़ के जाना एक टाइप से रों तो अब क्या है तो वो दिल्ली ड्राइवर क्या बोलता है अबे तेरे लिए रेड लाइट है तो तू रुक मेरे लिए तो ग्रीन है हे यू स्टॉप इफ़ इट्स रेड फॉर यू फॉर मी इट्स ग्रीन तो अब ऐसा वो दिल्ली का ड्राइवर बोलता है जो ऑथर होता है वो बता रहा होता है ये बात अब होता है वैन डिसिप्लिन इज़ इंकुलेटेड इन पीपल यू सी कार स्टॉपिंग एट ए रेड लाइट इवन वेन देय नो ट्रैफिक फॉर माइल्स अराउंड नो डी ट्राइज टू ओवरटेक row of waiting cars and zip ahead even after इफ़ there इज़ नो ट्रैफिक कमिंग from द अपोजिट साइड अब यहाँ पे क्या बताया गया डिसिप्लिन वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है ना कि रेड लाइट है तो मतलब रुकना है तो रुकना है हम लोग मतलब रुके रहते हैं रेड लाइट के लिए भले ही वहाँ पे चाहे आगे से सारा सुनसान रोड पड़ा हो फिर भी रेड लाइट होगी तो रुकेंगे ही रुकेंगे अपने या इंडिया की तरह नहीं है कि बस खाली रोड देखा नहीं कि रेड लाइट ताप के निकल गए बस अब फिर आगे क्या बताता है वो बंदा बताता है इन इंडिया it's not just the problem of road discipline people crash queries if they can get away with they then they try clothes in a shop and leave them in a heap on the floor they do not bother, bother to stop a moment to hold the door and let it slam into the face of the person behind there's no point even getting into the littering and spitting menace अब यहाँ पे क्या बताया गया है इंडिया में डिसिप्लिन रोड रोड पे नहीं हर जगह बंदों ने मतलब कुछ ना कुछ गलत काम कर ही रखा है जैसे कोई कपड़ों की शॉप पे गया तो उसके सारे बंदे के कपड़े कपड़े खुलवा के देख ले ये भी दिखा दो ये भी दिखा दो ये भी दिखा दो लास्ट में कोई ऐसा नहीं लिया बस अब उसको वहीं छोड़ दिया फिर कोई गेट खोला तो गेट खोल के बस यूँ पूरा उसको पीछे तक किया और चले गए चाहे दूसरे वाले के सिर में लग जाओ गेट कोई दिक्कत नहीं अब आगे क्या है बता रहे हैं कि और जैसे मतलब देर नो पॉइंट इवन गेटिंग इट फ्रॉम द लिटरी एंड स्पिनस मेथड मतलब कहीं भी थूक देते हैं कहीं भी कहीं भी कुछ भी खिंडा देते हैं ईयर्स ऑफ टीचर्स ड्रोनिंग एंड पेरेंट्स कोल्डिंग हैव फेल्ड टू इंसर इन स्टिल डिसिप्लिन सरप्राइजिंगली वन ट्रिप टू वन ट्रिप टू सिंगापुर और कैनाडा ब्रिंग्स आउट डिजायर्ड रिजल्ट अब यहाँ पर क्या बताया गया है बहुत सालों की सालों की टीचर की मेहनत और माँ बाप के कोसने के कोसना भी मतलब वहाँ पे फेल हो जाता है किस चीज़ के बाद फेल हो जाता है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता है हालांकि अगर उनकी उनको एक ट्रिप लगवा दी जाए कैनेडा या फिर सिंगापुर की तो वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है वो आ जाता है तो ये था पैराग्राफ ये लिखा था हमारा पैराग्राफ दीपा घागलोट ने अब हम फोर क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट थर्टी से फोर्टी वर्ड्स इच फर्स्ट राइट टू थिंग्स सरप्राइज द ऑथर्स फ्रेंड ड्यूरिंग हिस्स विजिट टू कैनेडा तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन साइट एनी टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स टू शो दैट इंडियन ड्राइवर्स लैक डिसिप्लिन ऑन रोड सी डिसाइड्स इन डिसिप्लिन ऑन रोड द ऑथर गिव्स फाइव अदर एग्जाम्पल ऑफ Public indiscipline in India. One of them is lack of concern and courtesy for for others. What are the other four One trip to Singapore or Canada brings out the desired result. Paragraph nine. Which result is being referred to here? Okay, I have 4.2. Answer the following question. Find a word in the passage, paragraph one of the passage that is antonium of order. Order ka antonym matlab chaos matla, order. ऑर्डर एक टाइप से जचे हुए तरीके में चे उस एक टाइप से खिडे हुए तरीके में फाइंड ए वर्ड इन पैराग्राफ टू ऑफ द पैसेज दैट कैन रिप्लेस द वर्ड सरप्राइज्ड एस्टोनिश्ड सरप्राइज़ का एस्टोनिश्ड हो सकता है पैराग्राफ टू में है देख लेना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज मीन्स टू हिट और टू स्ट्राइक समथिंग विथ फोर्स स्लैम इन टू क्योंकि अगर जब सामने से बंदा आ जाएगा हम उसकी जान बचाने के बहुत जोर से दबाएंगे ब्रेक पे ताकि वो ब्रेक लग जाए उस बंदे को कुछ ना हो अब आगे है

बार बार उसको याद दिलाते रहना कि वो मतलब उसके मन में एक सेट हो जाए पर बहुत बोरिंग वे में याद दिला रहे थे तो उस वजह से उनकी जो ड्रोनिंग थी वो फेल हो रही थी और जो सिंगापुर के और या फिर कनाडा की ट्रिप होती है उसमें बहुत अच्छे से हो जाती है तो ये क्वेश्चन के आंसर्स अब एक बार हम इनको ही पढ़ लेते हैं कोर्टसी ऑफ ड्राइवर्स एंड रिस्पेक्ट ही गॉट वेन ही वॉज अबाउट टू गेट डाउन फ्रॉम द कार जो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा अब हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का अब जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू थिंग्स सप्राइज्ड ऑथर्स फ्रेंड विद हिज फर्स्ट विज टू कैनाडा जब वो पहली बार गया था तो उसको कौन सी दो चीज़ों ने सरप्राइज किया दिया था कॉटसी ऑफ ड्राइवर्स एंड रिस्पेक्ट ही गॉट वेन ही वॉज अबाउट टू गेट डाउन फ्रॉम द कार हैज सरप्राइज द ऑथर्स फ्रेंड अब क्या है सेकेंड क्वेश्चन है साइट एनी टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स टू शो दैट इंडियन ड्राइवर्स लैक डिसिप्लिन ऑन रोड इंडियन ड्राइवर्स डोंट स्टॉप पेशेंटली एट जेबरा क्रॉसेस एंड दे ट्राई टू एस्केप रेड लाइट वेन देयर इज़ नो कॉप्स यहाँ पे क्या बताया गया जैसे मैंने बताया था जो इंडियन ड्राइवर्स होते हैं वे कभी भी शांति से रुकेंगे नहीं जैबरा क्रॉसिंग पर ना वो कभी भी रेड लाइट को मतलब रोकेंगे जब तक वहाँ पर पुलिस नहीं आ जाएगी पुलिस से तो सब डरते हैं भाई अब आगे सी था हमारा बिसाइड दिन डिसप्लिन ऑन रोड द ऑथर गिव्स फाइव अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक इन डिसप्लिन इन इंडिया वन ऑफ दैम इज़ लैक ऑफ कंसर्न एंड कॉटसी फॉर अदर्स वट आर द अदर फोर पीपल डैश अक्रॉस स्ट्रीट्स एंड स्लैम द वहीकल्स ब्रेक्स दे डोंट स्लो डाउन एट जैबरा क्रॉसेज एंड एंड इंटरसेक्शन मैनी डोंट स्टॉप एट रेड लाइट वन देयर इज़ नो कॉप दे स्लैम क्यूज अब ये थे वो चार जो अलग उनने बताए थे अब अगला है इसमें आप चाहो तो वो भी वा, वो वाला भी ऐड कर सकते हो एक अगर रेड लाइट वाला नहीं लिखना है तो उसकी जगह वो भी ऐड कर फिर कोई भी एक हटाके की वो शॉप पर जाते थे और कपड़े खुलवा देते थे मगर कपड़े कभी भी या फिर अपने दरवाजे को मार देते थे किसी के सिर में ये सब कुछ मतलब अब आगे है इट्स द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली एंड स्टॉप लिटरिंग और एनी अदर एक्टिविटीज दैट डी ग्रेट द नेशन स्टेटस अब जो हमें क्या क्वेश्चन कहा था कि वो रिज़ल्ट कौन सा रेफ़र किया गया यहाँ पे? तो वो रिज़ल्ट ये रेफ़र किया गया कि मतलब जैसे वहाँ पे वे अपनी रेगुलेशन स्ट्रिक्टली से फॉलो करे और वहाँ पे मतलब कूड़ा कचड़ा ना फैलाए या फिर कोई और कोई, और कोई एक्टिविटी ना करे जिससे जिस मतलब नेशन ख़राब होए तो यही बताया गया है इसमें तो गाइज इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में तो अगली वीडियो में मैं आपको इसका अगला पैराग्राफ समझाऊंगा जिसमें फिफ्थ पे फिफ्थ एक और पैसेज लेके आऊँगा आपने पिछले पैराग्राफ नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय